मैं कांता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पकवान कला में। वैसे तो आपने कई तरह की चटनियाँ खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपसे एक अलग तरह की चटनी शेयर करने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी खाई हो। वो खाने में बहुत ही चटपटी और बनाने में आसान, बहुत अच्छी है। सबसे पहले हम लेंगे आलू। ये मैंने चार आलू मीडियम साइज के लिए हैं। इनको मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है। मैंने ये धनिया लिया है आधी कटोरी, इसको धो के मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और एक चम्मच ये लाल मिर्ची पाउडर लिया है और धनिया लिया है, इसको हल्का सा रोस्ट किया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और ये मैंने 7-8 लहसुन की कलियाँ ली है, ये इस साइज़ का लहसुन है। तो सबसे पहले हम चटनी बनाने के लिए लेंगे पुराने ज़माने की मिक्सी यानी कि सिलबट्टा। अगर ये आपके पास ना हो, ये हर जगह नहीं मिलता, तो हम इसमें मसाला कूटते हैं, इसमें चटनी हम बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चम्मच लाल मिर्च डालूंगी और रोस्टेड ये धनिया और स्वाद अनुसार नमक, ये मैंने 1/4 चम्मच नमक डाला है। और ये आधा धनिया डालूंगी मैं और ये लहसुन। इन सबको अब हम इस सिलबट्टे से पीसेंगे। अब हम ये सारा धनिया इसमें डालेंगे। अब ये पेस्ट को मैंने इकट्ठा कर लिया है। पेस्ट हमारा बहुत गाढ़ा है, हमें आलू मिक्स करने हैं, इसलिए मैं इसमें 2 से 3 छोटी चम्मच पानी डाल दूंगी और इसको दोबारा से फिर पीसूंगी। अब इसमें अगर आप चाहो तो ऐसे मोटा मोटा करके आलू काट के डाल सकते हैं, नहीं तो आलू इस पे रख के और दबा के अब इसमें आराम से हमें इसमें मिक्स करना है। इसमें ज्यादा दबाव नहीं देना है क्योंकि आलू पहले से ही हमारे उबले हुए हैं। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हमें पीसना है। सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी का स्वाद ही अलग होता है। हमारी चटनी पीसकर तैयार है। आप देखिए बिल्कुल दरदरी पीसी है, हमने आलू का बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है। तो चलिए अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारी ये चटनी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर हमें इसका और स्वाद बढ़ाना है और थोड़ा तीखापन कम करना है तो हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं। देसी घी से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये आलू की चटनी बनाइए, खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।